आज तक मैंने लाइफ में बहुत से प्लेयर देखा, अच्छे से अच्छे प्लेयर देखा, पर इनसे अच्छा शायद तक नहीं देखा। तीन हो गया। किधर है हमारे भाई का, किधर है? आ जाओ, मैं टीम कोड दे रहा हूँ, ठीक है? वो 1v1 करने के लिए पे किया, ठीक है? किधर है हमारे भाई का, किधर है? आ जाओ। साथ बोल सकता हूं, आज तक हमने YouTube में जितने भी वीडियो बनाए सबसे खतरनाक वीडियो आज का है। आज के गेम प्ले में एनिमी के चैलेंजेस से लेके लास्ट एचपी पे सर्वाइवल, साथ ही हमने एक ऐसे यूट्यूबर को चैलेंज दे दिया हमने अपना डी मोड एक्टिवेट करने के बाद भी, ये गेम अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। डी हमें गेम प्ले में बढ़ने से पहले, अगर आप बीजीएमआई खेल ही रहे हो तो आपके लिए एक छोटा सा टिप्स बताता हूँ। जैसे आप नॉर्मली बीजीएमआई को खेलते हो वैसे ही आप बीजीएमआई टूर्नामेंट्स खेल के 50,000 रुपीस आप जीत सकते हो। ए भाई बताना बताना बता, भाई 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 मेरा भाई। सो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो की 100% ट्रस्टेड है, 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और 8 करोड़ की विनिंग्स भी बढ़ चुका है। ये ऐप की सबसे बढ़िया बात है की यहाँ पे काफी टाइप्स के टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाता है, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट्स जिसका वेटिंग टाइम 0 है। इस ऐप में कोई कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, जैसे आप क्लासिक रैंक खेलते हो वैसे ही खेलो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल को डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, तो यहाँ से रोज बीजीएमआई खेल के पैसे जितना तो गारंटेड है। और तो और, सो स्ट्रॉन्ग की एंटी चीट सिस्टम इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप जल्दी से जाके वहां से डाउनलोड कर लो। इमीडिएटली आपको 600 रुपीज का इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात ये है कि आप जीते गए पैसे को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉल भी कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। बेसिकली कहानी आज का कुछ इस तरीके से शुरू होता है, जैसे कि आपने देखा ऑल पे कुछ बंदों ने हद पार कर दिया था, इसी चलते लिटरली मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ये गुस्से का परिणाम जो भी होने वाला ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिलहाल इसके साथ एंट्री होता है इवेंट पे, आस पास ढेर सारे बंदे। जैसे मैं उतरता हूँ टीममेट अलग फाइट लेने के लिए चला जाता है और मैं आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता था कि सामने एक कंप्लीट स्क्वाड है। अभी देखो चला, इन लोग से रूम बनवाना भाई, नहीं है तू और चला दे। तीन नॉक दिया, क्या करने है, गेम खेलने नहीं आए थे? भाई साहब जैसे तैसे करके यहाँ पे 1v4 सक्सेसफुली टर्न होता है। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुआ था, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोड वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही आगे जाने की तैयारी करता हूँ, टीममेट का इशारा था कि आगे काफी सारे बंदे हैं। फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट छोड़ दो। जैसे ही दो बंदे को नॉक करता हूँ तीसरा बंदा पीछे की तरफ जाता है। फिलहाल राइट में भी बंदे थे, माँ कसम क्या सीन चल रहा है, सामने एक फुटस्टेप आ रहा था, रोस्टर्ट के साथ इसको भी खत्म कर देता। देखते देखते आसपास के सिचुएशन थोड़ा सा ठंडा तो हो चुका था, जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं गंदे तरीके से पड़ता है। बाल बाल बढ़ते बढ़ते बचता हूँ यहाँ पे, टीममेट को कॉल देता हूँ, यहाँ से पहले बच के जाना पड़ेगा फिर आगे का सिचुएशन देखा जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे फ्लैंक कर रहे थे सामने वाले स्क्वाड भी यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके थे, पर उसको मेरा लोकेशन पता नहीं था। सामने बंदा स्पॉट हुआ था, मैं जल्दी से नेट कुक किया। अभी देखो वॉच आउट, मरेगा ये, नेट डालो मरेगा, बहुत बढ़िया। सामने दो बंदे स्पॉट होते हैं यहाँ पे,
भाई साहब एक बंदे को तो ले लेता हूँ, पर दूसरा बंदा अनफॉर्चुनेटली मेरे को खत्म कर लेता है। नाम नोट करके रखना, इसी बंदे को आगे चल के खत्म भी करने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे हल्का सा फर्स्ट टाइम मिल रहा था, बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहाँ पे बंदे हो सकते हैं। दैट्स व्हाई फ्री फायर कर रहा था। इतने में कुछ बंदे रिकॉल हो के आते, एक और कूदा। मार्क द लोकेशन। चादर से एक बंदा उड़न घटोला लेके ऊपर की तरफ आ चुका था, शायद वो यहाँ पे नीड करने की स्ट्रेटेजी बना रहा था। जल्दी से मैं यहाँ पे बसते बजाते आगे की तरफ जाता हूँ। देखो लूट का तो यहाँ पे समस्या था ही, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूट करने के चक्कर में आगे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई साहब गंदे तरीके से पड़ता है। चलो जैसे तैसे करके यहाँ पे सरवाइव हो जाता है। गेम प्ले में काफी सारा ग्लेशियर वाले भी बंदे थे, किलफील्ड में बैक टू बैक आ रहे थे, पर जो भी हो फाइनली जब हम पोचिंग की तरफ जाते हैं आगे की तरफ फाइट हो रहा था। यहाँ पे मेरे पास व्हीकल वगैरह नहीं था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होके जाने की तैयारी कर रहा था। टीममेट कहीं ना कहीं मना भी कर रहा था। अभी देखो नॉक दिया, जल्दी से फिनिश करता हूँ। इसका टीममेट आगे की तरफ होल्ड किया था, जल्दी से थोड़ा कदम आगे जाने के बाद मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट का फिर से इस्तेमाल करता हूँ। डैमेज दिया, इसको भी यहाँ पे खत्म कर दो। यहाँ पे लेड वाले घर पे छत पे कूदा है, सामने की तरफ बंदे आ चुके थे, एक से शायद तक दो बंदे भी हो सकते थे। जब तक मैं नेट को करता टीममेट ने एक किल निकाल दिया। फर्स्ट स्टेप ऊपर से आ रहा था, दैट्स व्हाई मैं रोटेट किया। जब तक ये टीममेट को फोकस कर रहा, खत्म। गेम प्ले का आखिरी पड़ाव आ चुका था। मैं टेंपल के पास ढूंढते उठते आ रहा हूँ, यहाँ पे एक भाई साहब वही क्लेशो वाला बंदे मिलता है। बंदे पहले से ट्रैप डाल के बैठे थे यहाँ पे। फिलहाल जैसे ग्लेशियर वाला बंदे को खत्म करता है, रेंज के ऊपर से गंदे तरीके से पड़ने लग जाता है। यहाँ पे जोन भी हमारे ऊपर नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट वगैरह करके यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था। टीममेट तो आगे चला गया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे कंप्लीट तरीके से फंस हुआ था। बरा 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 बरा। अरे यार भाई कितना किल हुआ है तुम्हारा? जैसे तैसे करके यहाँ पे मैं सर्वाइव कर ही रहा था। जल्दी से यहाँ पे टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ से पहले जोन के अंदर जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा जोन बन चुका था और काफी सारे बंदे थे यहाँ पे। एक बंदा पीछे स्पॉट हुआ, टीममेट एक नॉक निकाला। मैं टीममेट को कॉल देता हूँ कि रस करना पड़ेगा। गाड़ी पे इतना खतरनाक गेम प्ले के बाद आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर दोगे।
स्ट्रीमर ऑनलाइन आ चुके थे। स्ट्रीमर के पास बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको जानना भी इम्पोर्टेंट है। एडियन भाई का एक टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर था और इंडस्ट्री में ऐसा कोई रिएक्शन चैनल नहीं है जो भाई के गेम प्ले के ऊपर रिएक्शन ना किया हो। आज जब मैं एडियन भाई के साथ 1v1 कर रहा हूँ, लिटरली मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ में अभी तक नहीं आ रहा। भाई ऑनलाइन आ चुके थे, चलते उनके स्ट्रीम में, देखते क्या होने वाला है। देखो अभी बाकी यूट्यूबर के साथ हम 1v1 करने के लिए थोड़ा सा बार्गेन वगैरह कर लेते हैं। भाई कम में कर लो, इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। मैं भाई को यहाँ पे सीधे ही बोलता हूँ कि 500 का सुपर चैट करूंगा, भाई कर लो मेरे साथ 1v1। फिर क्या, मैं सुपर चैट करने के लिए जा रहा था, जल्दी कर। कर रहा हूँ भाई, कर, एक सेकंड में हो गया भाई। डन पेमेंट डन, पेमेंट डन। आ जाओ भाई, किधर है हमारे भाई का, किधर है, आ जाओ। मैं टीम कोड दे रहा हूँ, ठीक है। वो 1v1 करने के लिए पे किया, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, टीम कोड दिया, आ जाओ ब्रदर फटक से। इधर 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 भाई, ए रिक्वेस्ट ले लो। अरे आपने रिक्वेस्ट भेजे, ओके भाई। अरे आपने रिक्वेस्ट, चलो रिक्वेस्ट ले लिया, आपको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है, रूम में बुला दो भाई, बुला लो। ऑल सेट था, यहाँ पे मैं तैयार था, भाई तैयार थे, और आपको क्या लगता है ये गेम में क्या होने वाला है, आप कमेंट करो। अभी देखो क्या होता है। क्या मार रहा है यार, भाई तेरा मारना बोले फिर भी नहीं आता। भाई मेरा एम भी जा रहा है इधर उधर निकल के साथ सर। हर गेमर के अंदर हमेशा गेमर वाला स्पिरिट रहता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि जानबूझ के कोई हार रहा है सामने, ऐसा मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। दैट्स व्हाई मैं पहले से ही बिल्कुल भी सोच के नहीं आता कि ये गेम मैं हारूंगा या फिर कुछ करूंगा ऐसा सीन, मेरे माइंड में कुछ बिल्कुल भी ना था। बट जब मैं स्ट्रीम खोल के देखा, भाई कितना ज्यादा एफर्ट लगा रही जी गेम को डोमिनेट करने का, मैं लिटरली शॉक हो जाता, हिल चुका था अंदर से। टीम मोड को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, फिर क्या था, मैं दिल से चाहता था कि ये गेम एडियन भाई जीते।
ऐसा नहीं सोता है ये यार। सब कुछ यहाँ पे मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली कई कई मैं गलती से मैं मार दे रहा था, और यहाँ पे काफी कम टाइम बचा था, और मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था यहाँ पे कुछ भी करके। भाई ये गेम मेरे को एटीएम भाई को जिताना, मैं उनका दिल से रेस्पेक्ट करता था, तो मैं ये गेम भाई जीत नहीं सकता था। ये होप मत करो कि मैं ये गेम जीतूंगा। इसी के साथ ये गेम प्ले खत्म होता है। फाइनली हक के साथ बोलेगा फाइनली एलियन भाई ने हमारे दिल के ऊपर झंडा काट दिया। फर्स्ट टाइम मेरे को कोई गेम हार के इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना भाई, आई डोंट नो। फिर क्या था, मैं उनके चैनल पे जाता हूँ। भाई बंदा क्या मार रहा था भाई? ठीक है बंदा ठीक था। अरे फास्ट फास्ट में एंटी नहीं मार पा रहा था उसको यार, थोड़ा भी इतना जल्दी मार दे रहा था भाई को। लास्ट में तो लग रहा था कि वो कमबैक किए हैं, और जिससे मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। फिर क्या था, मैं ऑफिशियल लाइट से जाके ये बोलता हूँ कि आप गॉड लेवल प्लेयर हो। जी जी तो बिग डी लाइव भाई, आप गॉड प्लेयर हो। जी जी अरे सोबिक डी था यार। अरे अरे भाई, अरे सोबिक डी भैया तुम्हारे वीडियो देखा था यार, ऐसे करके मारते हुए यार। सोबिक डी भैया जी, भैया जी क्या हाल चाल? मेरा भी सपना था यार सोबिक डी भैया आपके साथ खेलने के लिए। चलो खेल लिए आपके साथ भी, खेल के बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आने के लिए। सेम टू भाई, सेम टू। ये बोल के हम थोड़ा सा बातचीत करके यहाँ पे विदाई लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रीमर भाई का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अरे साहब जी सोबिक डी जानते हो ना? हाँ हाँ जानते हैं। हाँ वो करता है ना स्कीपर के साथ जाके। अरे आप बहुत अच्छे खेलते हो यार, आपका रिफ्लेक्स मैंने देखा है यार। खैर ये तो था आज का कहानी, पर दिल से एक चीज बोला जाता हूँ डीआर में, इंडियन गेमिंग भाई का कुछ टाइम पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था। आई डोंट नो व्हाई, बट इनका 1 मिलियन का चैनल टर्मिनेट हो चुका है। मैंने सर्च करके भी देखा, चैनल यूट्यूब में दिख नहीं रहा है। एक चैनल पे इतना मेहनत करने के बाद, चैनल जाने के बाद कैसा लगता है मेरे से अच्छा वाला कौन जान सकता है। और करेंटली उन्होंने एक और चैनल बनाया, 1 से 2 लाख लोग हमें रोज देखते हैं। मैं तो बोलूंगा कि एज अ टैलेंटेड गेमर फुल ऑन सपोर्ट करो डीआर में। सारे के सारे जितने भी आज वीडियो देख रहे हो सभी जाके सब्सक्राइब कर दो भाई, पावर दिखा दो डीआर में। यही सही टाइम रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल।